बच्चों, आज हम क्लास 11th में एक पोयम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका हेडिंग या शीर्षक है द लेबरनम टॉप। ये लिखा है द लेबरनम टॉप के राइटर हैं टेक हक, और ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी स्टोरी अमलतास के वृक्ष और एक चिड़िया के ऊपर आधारित है। स्टोरी की जगह मैं पोयम वर्ड यूज कर रहा हूँ। मेरे ये जो पोयम है वो अमलतास के वृक्ष और एक चिड़िया की कहानी के ऊपर आधारित है। इसको लिखा है टेक फॉक्स ने। तो ध्यान रखिएगा, लेबरनम का मतलब होता है अमलतास, और इसी की स्टोरी अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर इसके कुछ कठिन वर्ड देखते हैं। वर्ड मीनिंग देख लीजिए। गोल्ड फिंच, आपने एक चिड़िया देखी होगी जो बहुत अच्छी आवाज में गाना गाती, छोटी सी चिड़िया होती है और येलो कलर के उसके विंग्स होते हैं। अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटी गाने वाली चिड़िया विद येलो फीदर्स ऑन इट्स विंग। फीदर यानी फीदर का मतलब होता है पंख, ठीक है। विद येलो, येलो का मतलब पीला, ठीक है, जिसके शरीर पर पीले रंग के गुच्छे के रूप में पर होते हैं, उसको हम चिड़िया को आपने देखा होगा जिसको हम गोल्ड फिंच कहते हैं, ठीक। सेकेंड है हमारे पास लेबरनम, जो पूरी की पूरी स्टोरी या पूरी की पूरी पोयम इसमें है वो इस वृक्ष के बारे में है, लेबरनम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमलतास का पेड़ या वृक्ष बोलते हैं। इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी आधारित है। तीसरा है पिच। पिच का मीनिंग होता है जर्क देना। जर्क आप जानते हैं ना, झटका लगता है एकदम से। तो यहाँ पर पोयम में पिच वर्ड का उपयोग धक्के के रूप में किया है। चिरपिंग या चिरप, चहचहाना। बर्ड्स आर चिरपिंग। चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। शाम को देखा होगा चिड़िया पेड़ पर बैठ के चहचहाती हैं, इसी को हम इस साउंड को चिरपिंग साउंड कहते हैं। नेक्स्ट है स्लीक। स्लीक यानी चिकना। फिर देखिए दिस वर्ड, दैट इज क्लैपर। लिजार्ड, घर में होता पाई जाने वाली छिपकली। इस वर्ड से आप सब लोग फेमिलियर होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज टेमो। ट्रेमोर। ट्रेमोर का मतलब होता है वाइब्रेशन, कंपन होना, ठीक है। जब कंपन होने लगता है इस पूरे वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेमोर बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिल। ट्रिल मीन्स जो कांपती हुई आवाज आती है, जनरली जब कोई डरा होता है कुछ होता है तो कांपते हुए भरभराती हुई साउंड आती है, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, ट्रिल बोल देता हूँ। नंबर 9 स्टोक। स्टोक के कई मीनिंग होते हैं, है ना, स्टोक लगना, स्टोक आ जाना आदि आदि। यहां पर स्टोक का मीनिंग होता है आग में ईंधन झोंकना। आप क्या करते हो, जैसे आग लगी हुई है उसमें लकड़ी डाल दो, ठीक है, कोयला डाल दो, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टोक बोलते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्च, ठीक है, लॉन्च हुआ है ना, लॉन्च होना यानी उड़ जाना, ठीक। सबसाइड, दिस वर्ड इज सबसाइड। सबसाइड का मतलब होता है नीचे उतर जाना, ये वाला वर्ड सबसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्लीक। प्रोनाउंसिएशन हो तो देखिए, स्लीक। स्लीक का मतलब होता है सॉफ्ट, बहुत मुलायम। इस वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, स्लीक बोल देते हैं। अलर्ट,
अलर्ट यानी सावधान। यहाँ पर क्या है, जो चिड़िया वगैरह जो वृक्ष पर बैठी हुई है या कोई उसके ऊपर जानवर वगैरह बैठे हुए होते हैं तो वो सावधान होते हैं, इसी वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, अलर्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट इज एब्रप्ट। एब्रप्ट यानी अचानक, ठीक है। एब्रप्टली आई रीच देयर, आई फाउंड दैट नोबडी वॉज देयर। एब्रप्टली द रेन स्टार्ट फॉलिंग, अचानक रेन होना स्टार्ट हो गई। तो एब्रप्टली यानी कोई चीज का अचानक स्टार्ट हो जाना एब्रप्ट कहलाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये इनका मीनिंग है। छोटी और बहुत सुंदर पोयम है अमलतास लंबन के बारे में और गोल्ड फिंच चिड़िया के बारे में ये स्टोरी है और उसी को पोयम के फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड पोयम। वी विल लर्न दिस इन नेक्स्ट क्लास।